गाइस वेलकम टू सज्जी हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट चैनल। बहुत जन का डिमांड था कि पिलोज के ऊपर वीडियो बनाइए बोल के, तो पूरी पिलोज के ऊपर अगर हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत लंबा होगा। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बना के छोड़ देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा, और सेकेंड पार्ट में मैं फिर बाकी जितने भी पिलोज रह जाता है उनके बारे में डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट पिलो विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेदर पिलो। मोस्टली दिस फेदर पिलो जो बनाते हैं वो मोस्टली गूस वगैरह जो भी है उसका बैक पार्ट का जो फेदर है, और हो सकता है विंग्स का फेदर हो, उसको निकाल के ये पिलो बनाया जाता है। एंड मोस्टली द फेदर पिलोज आर सॉफ्ट एंड इट्स वार्म, राइट। अब नेक्स्ट पिलो विल बी टॉकिंग अबाउट बॉडी पिलोज। बॉडी पिलोज आर नॉर्मली इट्स साइज ऑफ अ होल बॉडी, और ये पूरी लंबाई होता है, कोई बेड के साइज का होता है, हो सकता है कोई उससे छोटा लेंथ का हो। मोस्टली पीपल्स प्रीफर करता है इसको लेके सोने के लिए, एंड मोस्टली दिस इज लाइक यू कैन हग दैट पिलो, इवन आप हग कर सकते हो उस पिलो को, इवन उस पिलो के ऊपर अपना पाव रख के आप सो सकते हो। एंड दिस इज नॉर्मल जो पिलो है वही पिलो है, बट जैसे लेंथ लंबा में रहता है। So this is a body pillow. Now let's move on to maternity pillow or pregnancy pillow भी बोला जाता है। सबको तो ये मालूम है कि pregnancy के time में ladies face a lot of issues while sleeping, उन लोगों का pains वगैरह का issue होता है, body stretch करने भी issue होता है। तो ये जो pregnancy pillow है ये pillows they are typically meant for them only, for the soft cushioning for their body. So ye pillows bahut hi comfortable hai pregnancy ke time mein. This pillow is that's why known as a maternity pillow or a your pregnancy pillow. Now next pillow what we will be talking about, it will be talking about buckwheat pillow. Buckwheat matlab anaj, बकवीट मतलब अनाज। ये जो पिलो है वो अनाज का बनाया जाता है, हो सकता है वीट का हो सकता है बकवीट एक ग्रेन आता है उसका हो, और ये जीपर सिस्टम रहता है सो दैट आप उसके अंदर रिफिल कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप निकाल भी सकते हो। और बकवीट पिलोज को ऑर्गेनिक पिलोज भी बोला जाता है, मोस्टली प्रीफर करते हैं आदमी लोग, बिकॉज दिस आर ऑल्सो गुड फॉर योर बॉडी, और मोस्टली लाइक थेरेपीज वगैरह के लिए भी आप यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पिलो विल बी टॉकिंग अबाउट अरोमा अरोमेटिक पिलोज और अरोमा पिलोज। एरोमेटिक और अरोमा पिलोज आर दोज पिलोज जिसके ऊपर में हो सकता है अरोमा ऑयल स्प्रे किया हो सकता है आपका पॉट प्यूरी डाला हो, तो ये अरोमेटिक पिलोज है। एंड दिस पिलोज विल गिव अ नाइस फ्रेग्रेंस व्हेन यू गाइस आर स्लीपिंग। सो दिस पिलोज आर प्रीफर्ड बाय दोज पीपल्स जिनको अरोमेटिक फ्लेवर्स वगैरह चाहिए, जो एसेंस वगैरह चाहिए, हो सकता है कोई भी एसेंस, हो सकता है वैनिला एसेंस हो सकता है कोई भी फ्रेग्रेंस, हो सकता है लेमन ग्रास हो सकता है, ये सब पूरी फ्रेग्रेंस यूज किया जाता है फ्रेग्रेंस पिलोज में। नाउ नेक्स्ट पिलो विल बी टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक पिलोज। सुनने में आप लोगों को ऑकवर्ड रहेगा, ये म्यूजिक जो पिलोज रहता है इसमें आपका साउंड बॉक्स जो सिस्टम है वो फिटेड रहता है, बिकॉज ऑफ द स्पीकर्स ऑन द बोथ साइड प्लग इन योर एयरबड्स एंड ऑल यू कैन लिसन सॉन्ग्स। तो आप अपना हेडफोन्स वगैरह जैक वगैरह लगा के आप गाना वगैरह सुन सकते हो, म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। बहुत जन को गाना सुनते हुए सोने की आदत होता है। सो दिस पिलोज आर मीन फॉर दोज पीपल्स ओनली जिनको ये एक शौक है कि गाना सुनते हुए नींद आए। एंड दिस पिलोज आर रियली गुड गाइज, एंड mark my words, these pillows are so good. You can enjoy the music while sleeping. Just imagine, आप सोच सकते हो। Now we'll be talking about the travel pillows, जिसको neck pillows भी बोला जाता है। And for this all pillows, मैं images आपको end of the videos में डाल दूँगा कि ये pillow को ये बोलते हैं, इस pillow को ये बोलते हैं, so that आप लोगों को convenience होगा pillows के बारे में जानने के लिए। So this travel pillows are mostly
your neck से shape कर रहता है and that has very soft cushioning वगैरह के लिए क्योंकि बहुत जन की आदत है कि traveling के time में सोते समय इस तरह सोने की so that if you can put the pillows on your butt this one that would be easy and these are known as travel pillows or neck pillows भी बोला जाता है इसको And the last pillow for today topic we'll be talking about cooling pillows. These pillows mostly have the jelly pack in it so that it will be cooling effect. Mostly kuch treatments wagera jab aap lete ho us time these pillows are used. And in other incoming episode we'll be talking about other pillows. There are a lot of pillows. Age pillows are there, even hypoallergenic pillows are there, latex pillows are there. These all pillows के बारे में मैं next video जब बनाऊंगा उसमें आप लोगों को मैं description में दूंगा और अब ये video का end तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको detail में photos वगैरह डालने वाला हूँ कि किस pillow को कैसे बोलते हैं किस type का रहता है so that आप लोगों को एक rough idea हो आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेश्चन है पिलोज के बारे में यू कैन आस्क मी एनी टाइम सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस होप गाइस आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा जैसे आप लोगों का केयर मिल रहा है वैसे ही सपोर्ट आपके तरफ से मुझे चाहिए और लाइक कीजिए शेयर कीजिए संजय हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट चैनल को सो दैट मोर आप लोगों की तरह जो भी है जितने भी स्टाफ्स है जो भी कॉलिग्स है उनको ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे उनको कुछ सीखने को मिले तो हैप्पी शिवरात्रि टू यू ऑल और कल से शिवरात्रि का फेस्टिव शुरू हो रहा है सो आई विल बी मेकिंग videos on pilgrimage mostly traveling videos main banaunga pilgrimage ke upar mein we are traveling to godavari river and that area is known as rajmundry so we are going to the some of the famous temples we are going through the pasuar ghats and all so hope you'll enjoy so keep on watching guys bye bye